Hello and welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एआईवाइज ऐप ऐप एंड आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 फ्रॉम इंडिया. द न्यूज आउट ऑफ चेन्नई, वेल न्यूजीलैंड विनिंग अनदर वन वेरी कंफर्टेबली एंड मूविंग ऑन. बांग्लादेश स्ट्रगलिंग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. विद मी इन द पवेलियन आई हैव गॉट फोर आउटस्टैंडिंग क्रिकेटिंग माइंड्स, फोर फॉर्मर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान. आई हैव गॉट द यंग डायनामिक, द पर्ल्स ऑफ विजडम कमिंग आउट ऑफ हिम आर एक्सेप्शनल. ग्रेट एनालिसिस, शोएब मलिक. Welcome back. Mr. Dependable, one of the most successful test captains of Pakistan's cricket history. I've got Mr. Misbah-ul Haq. Misbah, welcome back to the studio. Assalamu alaikum. With them, one of the best wicketkeepers the game has seen, outstanding runner between the wickets and known as a man of crisis. I've got the silver fox of the pavilion, Moin Khan. Moin, welcome back. Thank you, Fakhar. Assalamu alaikum, everyone. And the cricketing royalty, Jiyan Dosal, Sultan of Swing. Or the undisputed king of all-rounders, Wasim Akram. Wasim, welcome back. Thank you very much. Assalamu alaikum and good evening, everyone. Right, दोस्तों, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर ताकि सूरत हाल वाजे हो जाए कि पॉइंट्स टेबल क्या कह रही है हमारे पास. सो पॉइंट्स टेबल. Right, there you go. That's how the point table is. Look at New Zealand right on top there now. लेकिन तीन मैचेस खेल चुके हैं. Now New Zealand बांग्लादेश आर दी ओनली टू टीम्स जिन्होंने तीन तीन मैचेस खेले हैं. New Zealand तीन मैचेस खेल के छह पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर है. मगर याद रहे कि पीछे साउथ अफ्रीका का जो नेट रन रेट है, ये नेट रन रेट पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है दोस्तों. साउथ अफ्रीका एट नंबर टू, इंडिया एट नंबर थ्री, पाकिस्तान एट नंबर फोर, इंग्लैंड एट फाइव, एंड देन बांग्लादेश सिक्स, श्रीलंका सेवन, नेदरलैंड एट, ऑस्ट्रेलिया नाइन, Afghanistan right at the bottom 10. Yaad rahe ki top ki char teams jo hain wo qualify karengi semi final ke liye, and that's the point table. And another great win for New Zealand. Aaiye zara nazar dalte hain match summary ke upar. How did this match go down? This is how it all went down. New Zealand winning this one. Bangladesh batting first, 245 nau khiladiyon ke nuksan par. और जिस चीज का शकीब ने जिक्र किया था कि अगर टॉप फायर कर जाए तो थिंग्स वुड बी बेटर, वही हुआ कि टॉप ने एक दफा फिर फेलियर्स हुए. देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टैंड देयर इन द मिडिल ऑर्डर बट नॉट गुड इनफ. देयर कुड हैव बीन मोर रन्स एक्चुअली एंड विद कुछ विक्टर इन दी, बट फर्गसन वाज द मैन ऑफ द मैच. आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बाय फर्गसन, सम वेरी वेरी लीथल शॉर्ट पिच स्टफ देयर, एंड देन ट्रेंट बोल्ट एंड हेनरी आल्सो कंट्रीब्यूटिंग. जवाब में जनाब मिचेल ऑफ कोर्स देयर विद 89, विलियमसन द कैप्टन कमिंग बैक टू द साइड 78, रिटायर्ड हर्ट. I think it must be there must be some concerns in the New Zealand camp there, and there's Conway there with 45, and there you have it. That's how it is. New Zealand winning this one comfortably by 8 wickets. Let's start off Wasim. So Bangladesh top order woos continue. Clinical performance from New Zealand, no question. टूर्नामेंट से पहले हम सबका यही व्यू था कि ये वन ऑफ द फेवरेट्स हैं. कोई भी आईसीसी का वर्ल्ड कप हो, उसका पास देख लें, ये सेमीफाइनल तक तो पहुंचते और पिछले साल ऑब्वियसली देखा हमने फाइनल में ये इंग्लैंड से हारे. इट वाज अ गुड गेम, क्लोज गेम एंड एवरीथिंग, बट इट्स अ गुड साइड अगेन, वन ऑफ दो साइड्स साउथ अफ्रीकन जैसे इंडिया नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में सो फार. ऑल बेसिस कवर्ड काइंड ऑफ स्टफ एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस. दे वॉन द टॉस, दे हैड अ प्लान, पता था पिच कैसी है. इट्स अ मच बेटर पिच थी आज बैटिंग के लिए, एंड आई थिंक इन द एंड बांग्लादेश नो आंसर अगेन. सेम प्रॉब्लम जब बड़ी टीमों में या बड़े मैचों में आते हैं, सो बड़ी बैटिंग वर्स उनके कंटिन्यू हैं. यू नो दे वर एट वन स्टेज 4 for 56, सो वंस इन 50 ओवर गेम वेरी रेयरली इट हैपन्स के 4-50 पे आपके आउट हैं तो आप 300 सवा 300 कर जाएं, और उसके बाद इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. इट वॉज अ रिकवरी फ्रॉम बांग्लादेश फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. चार के बाद के आप रिकवर कैसे करें, किस तरह 200 कर लें, 225 कर लें. सच अ गुड पिच दैट सूटेड न्यूजीलैंड बैटिंग, काइंड ऑफ इवनली बाउंस, तेज भी पे. हालांकि उनके फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है. मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑल थ्री ऑफ देम, तश्किन, मुस्तफीजर एंड शरीफुल शरीफुल. उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की अली ऑन, प्रेशर में रखा है उनको और 10 ओवरों में स्कोर भी करने नहीं दिया. अभी तक हमने ट्रेंड देखा है लड़कों गाइस के इस वर्ल्ड कप में, पहले 10 ओवरों को इतना फर्क नहीं पड़ा. टीमें उनको इतना वो नहीं ले रही कि हमने 70-80 करना है. दे ट्राइंग टू सेव विकेट्स बिकॉज दे नो दे कैन गेट रन्स फ्रॉम 11th टिल द 40th ओवर. वसीम भाई के पांच फील्डर्स हमेशा सर्कल में रहते हैं, तो वो एक गैप आपके पास एज अ बैटर हमेशा से रहता है, और मोस्टली जो अच्छे बैटर्स हैं वो इम्प्रोवाइज करते हैं और अपनी जो इनिंग्स है उसको 40-50 में जब वो जाते हैं तो वो उसे 100 के ऊपर लेके जा रहे हैं. मिस्बा, बड़ा ऊपर का टॉप कलेप्स रहा, लेकिन फिर बीच में इनिंग स्टडी भी बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी करने की कोशिश की, और एक टाइम पर लग रहा था कि शायद 270-280 भी अटेनेबल है. बिल्कुल,
आई थिंक वही जो हम बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप्स इम्पोर्टेंट हैं, और पार्टनरशिप 30-40 रन की पार्टनरशिप या 50 रन की पार्टनरशिप नहीं है। जब आप सेटल होते हैं तो फिर उसको स्ट्रेच करें, 100, 125, 150 की पार्टनरशिप, दैट्स व्हाट टीम्स आर स्लाइटली डिफरेंट। जो बड़ी टीमें हैं वो पार्टनरशिप्स बड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मिडिल ऑर्डर में हम देखें, मेहदी हसन मिराज सेट थे, अच्छा खेल रहे थे, बट सडनली बाउंसर्स को टैकल भी कर रहे थे। बड़ी अच्छी थी शाकिब की और मुशफिक और शाकिब की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी और बड़ा ज़बरदस्त जा रहे थे। मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे शाकिब अनफॉर्चुनेट रहा है बांग्लादेश के, उनका जो क्वाड, उनको इंजरी हुई है एंड देन उन्होंने हिट आउट किया बेसिकली, वो अनएबल, ही वॉज अनएबल टू रन। ये ओवर था जिसमें उन्होंने चांस लिया, फिर एक ये बड़ी शॉट मारी, छक्का मारा और अगली बॉल पर ट्राई करते हुए आउट हो गए। तो यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा अनलकी रहे, अदरवाइज 30 ओवरों में ऑलमोस्ट 150 रन्स वहाँ पे हो चुके थे इनके, और अगर ये थोड़ा और कंटिन्यू कर जाते 10 ओवर तक, इंजरी ना होती उनकी, तो बांग्लादेश के पास चांस था 280-290 करने का। और जैसे ही उन्होंने बॉलिंग की है स्लाइटली इट कुड हैव बीन डिफरेंट, बट बात आपकी ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, 16, 30, 40 कोई बड़ी इनिंग नहीं हो रही वहाँ से। टॉप जितनी भी टीमें डोमिनेट कर रही हैं, और बड़े पहले चार में से कोई 100 कर रहे हैं। लिटन दास को भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि पहला ही बॉल उनको जो मिला और उसको उन्होंने फ्लिक किया, पीछे पकड़े गए, एंड आई थिंक इट वाज जस्ट वेरी अनलकी के ये हुआ। होता है, बट यू नो फेसिंग अ फर्स्ट बॉल और आपको नज़र आ जाए वो बॉल, यू नो आप शॉर्ट पे चले जाते हो, बट थोड़ा सा प्लान करके आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो इम्पैक्ट था बहुत ज़्यादा नए बॉल पर ही होना था। यू नो विकेट गिरी है तो ये डिफेंसिव गए बांग्लादेश, यू नो एक पार्टनरशिप ज़रूर हुई, बट नया बॉल हर मैच में इनके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लग रही, यू नो। तो मेरा ख्याल है कि ओपनिंग स्टैंड में ही थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इनको अच्छी पार्टनरशिप मिल जाती है तभी ये किसी भी टीम के खिलाफ मेरा ख्याल है कि जीत सकते हैं। अदरवाइज़ आज बॉलिंग बहुत अच्छी की, मैं यहाँ बहुत प्रेस करना चाहूँगा न्यूजीलैंड ने, जितना समझदारी जितना कैलकुलेटेड इनिंग के लिए शुरू के 10 ओवर्स में सिर्फ 37 रन बनाए, और उनको पता था कि इवेंचुअली जो मलिक ने बताया जो रूल है 5 लड़के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे पता था कि आराम से फिर बाउंड्री का हमें चांस मिलेगा, और इवेंचुअली वही हुआ। मेरा ख्याल है कि इट वॉज स्मार्ट प्ले बाय द न्यूजीलैंडर बैट्समैन अगेंस्ट वंडरफुल बॉलिंग अटैक। वेरी ट्रू, बट लेट्स नाउ टॉक अबाउट, बिकॉज बांग्लादेश की बैटिंग थी तो साथ साथ में न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी जो थी वो ऑन डिस्प्ले थी, एंड ऑफकोर्स ट्रेंट बोल्ट ने पहली गेंद के ऊपर जो है वो डेंट कर दिया था, बट हाउ गुड वाज लोकी फर्गसन टुडे श्वेत? हाँ, वो मुशफिकुर ने दो उनको शॉट्स खेले अपर कट, उसके बाद वो गए राउंड द विकेट। उन्होंने खाली आउट नहीं किए, उन्होंने त्रावी कटे लेकिन ये तो है ऐसा डिसमिसल हुआ है कि बॉल चौके वाला बॉल था, ये बॉल देखें आप, उसके बाद उन्होंने रखा ही बैक फुट पे, और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है जो लिटन दास वाली है, वो ये है कि रीस टोपली के अगेंस्ट भी, क्योंकि उनका बॉल अंदर आता है तो वो उसको वो कर रहे थे। ये वो है शाकिब अल हसन जो आउट हुए, इससे पहले उन्होंने एक बॉल पे छक्का लगाया, वो टॉप एज था, बट जैसे मिसबाह भाई ने कहा कि कॉर्ड का मसल जो था वो, ये लोकी फर्गसन का पिच मैप देखिए जरा भाई, तुमके का कोई नेमुल बदल नहीं है, तुमका तुमका बॉलिंग किसे कहते हैं जो ये कर रहे हैं, बिल्कुल उसने उनको फ्रंट फुट पे तो आने का टाइम ही नहीं दिया, उन्होंने कहा अभी करना है तो फुल लुक पे करो, अदरवाइज देयर इज नो फुल सिलेक्शन को भी प्रेज करना चाहिए। हम सुन रहे थे काफी डिफरेंट जगह से आवाजें आ रही थी कि हो सकता है शायद सोडी को खिला दे, फर्गसन को बिठा दे, बांग्लादेश की स्ट्रेंथ को देखते हुए उन्होंने अबूधाबी में हम लोग न्यूजीलैंड से सीरीज हो रही थी, और अबूधाबी में ना सेकेंड टाइम पे अंडर लाइट्स बॉल ज़रा ठीक ठाक जाता है, तो मैं और इमामुल हक बैटिंग कर रहे थे, तो बाबर आउट हो गया था, एक और बैटर आउट हो गया था, तो लुकी फर्गसन आए ओवर करने के लिए, तो 3 मैंने सिंगल्स लिए, 3 उसने लिए उसके पहले ओवर में इमाम तो, ने। हाँ इमाम ने, तो जब ओवर ख़त्म हुआ ना तो मेरे पास आ गया था शुएब भाई, इसको बड़े रन्स बनेंगे, मैंने कहा इमाम ने आपको बोला, इमाम ने मुझे बोला कि उसको बहुत रन्स बनेंगे, ये बड़े रन्स देगा, मैंने कहा, मैंने दिल में कहा बताता है तुझे वो जिस्म को लंदे वही ना, 3 सिंगल मैंने ले ली उसकी, 6 बॉलों पर 3 उसने ले ली, अगले ओवर में आया ना तो ये फुल खड़ा हुआ था, क्योंकि ये बड़े शौक से ना थर्ड मैन और
स्क्वेयर लेग खेलता है तो ऐसा बॉलर है वो, वैसे ही आपको ड्राइव वाले बॉल तो देता नहीं आया वो आ गया ना उसने राउंड द विकेट उन्हें मारा है बाउंसर अभी इमाम यूं ही था टॉप सीधा मैं गया मैंने कहा इमाम तूने तो कहा था बड़े रन्स देगा खरे बड़ा तेज है जो है नहीं ये हुआ था ये 88 में हम पहला हमारा फोर डे गेम था इन जमैका और आई थिंक बिश नया नया आया था पता और एम्बो का भी वो पहला मैच था फोर डे गेम एंड नोबडी न्यू तो मुडी पा मुदसर भाई थोड़ा एक्सपीरियंस थे तो वो और रमीज ओपनिंग के लिए गए फोर डे गेम में तो उसने बिश ने पहला ओवर किया ना तो ओवर ख़त्म हुआ तो मुडीपा और रमीज बात कर रहे हैं रमीज और मुडीपा दोनों स्टोरी बताते हैं वो बात कर रहे हैं मुडीपा ने क्या हुए एनू मैं संभाल लाँगा एक कट पुल भी खाएगा और वेवर्ड है मगर जो एम्ब्रोस से बची ये क्या कि एम्ब्रोस का ओवर रमीज ने खेला जो मुडीपा अब ये जिसम खुल गया था बिश का अब वो तीसरे ओवर था उसका सेकेंड आयोन ने पहला बेंद किया बैक ऑफ अ लेंथ तो मुडीपा दे टुम थे मुड़ी पाए था स्ट्रेचर ते बाहर स्ट्रेचर में स्ट्रेचर हेलमेट पहना हुआ था क्या हेलमेट में लगी भाई हेलमेट वो जमाने के पुराने हेलमेट थे ना वो या 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 वो बिश बहुत तेज था यार बहुत तेज था मेरा सेकंड टेस्ट मैच लाहौर में था और उसका बॉल लगा बस मैं ऐसे हुआ हूं नजर आया कि बस कहीं पिच हुआ है गेंद उसके बाद पिच होने के बाद मुझे नजर नहीं मैं बस यूं हूं तो वो साइड वाइजर वाला हेलमेट पहना करते थे वो सारा टूट के इधर कोई तीन साल मेरे निशान पड़ा रहा यहाँ पे इट वाज क्विक उसके बाद आपने वो टेस्ट मैच फैसलाबाद वाला याद है आपने और मैंने बचाया था जी हां वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जी को नकली हमारे पास टाइम बहुत तेज नया बॉल लगा फिफ्थ डे पे तो अब वो टेस्ट मैच बचाना था हम लोग स्ट्रांग पोजिशन पे थे लेकिन नया बॉल लगा तो दो तीन ऊपर ना ऊपर नीचे आउट हो गए अब मोइन भाई आए हैं वहाँ से मैं खेल रहा था मकाया अंतीनी के दो बोले मैं ऑलरेडी खा चुका था एक डोले थे डोला सुनता बिल्कुल छोटा था टाइनी था डोला सुन एक उसका बॉल ऐसा था यकीन करें मोइन भाई इस चीज़ का गवाह है मैंने उसका बॉल रोका जो बैट का वो जहाँ से ब्लेड नहीं शुरू होता उसके शोल्डर के कॉर्नर पे लगा है और मेरे यहाँ से निकला है और फाइनल लेग पे कैच छूट गया अच्छा मैंने बड़ी मुश्किल से ना चौथे ओवर में उसका जाके ना मैंने कवर्स में एक बॉल रुका मकाया एंटीनी का मैंने कहा यस वो वॉक करके भी सिंगल हो सकती थी मोइन भाई नो मैं अच्छा ओवर हुआ अब सोचे इतनी बॉलें खाई हो बंदे ने और बड़ी मुश्किल से कवर्स में बॉल रुका है ओवर खत्म हुआ मैंने कहा मोइन भाई कह रहे हैं सुनो शॉन पॉलक मेरा नितिनी तुम्हारा मैं क्या किए और ऊपर वायर थे जवेद भाई कोच थे जवेद भाई ने कहा अगर कोई मार के आउट हुआ बाहर कर दूंगा मैं उसे मकाया नतीनी की भी आई थिंक 400 टेस्ट विकेट है वो मुश्किल क्यों था कि वो जाता था वाइड ऑफ द क्रीज बड़ा खतरनाक वो राइट हैंडर्स को जब वाइड ऑफ द क्रीज आप जाते हो अगर मैं राइट हैंड बैटिंग कर रहा हूँ और बॉलर उधर से कर रहा है तो उसने आना इधर ही है जिस्म की तरफ वो इधर ही आता है और यहीं से उसका पहले तो आता ही अंदर था फिर वो उसने बाहर भी निकालना शुरू कर दिया ये वसीम भाई कि आपने उसे उसके बंपर को एक तो वो कराता बड़ी अच्छी जगह पे था यहां आपकी चिन से लेके ना आपकी चेस्ट के बीच में बिल्कुल ये नापा बताइए पूरा पूरा नाप लेके जो है ना वो कराता था अब आप उसको ना यूं छोड़ सकते हैं ना यूं ना बैठ सकते हैं वो आप यही है कि आप या गेंद खा लो या उसे रोक लो किसी तरह बैट के साथ अमेजिंग स्टोरीज देयर सच जॉय इट इज टू हियर You outstanding legends share these memories with us here at the Pavilion. And that's what makes the Pavilion a very special show on TV. Keep watching. We'll see you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr Alam. You're watching eSports and Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 in India. And the news out of Chennai is that New Zealand have won this one as well. And they move on. Bangladesh still struggling. बात हम लोग कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले न्यूजीलैंड की बॉलिंग की लोकी फर्गसन के हवाले से खास तौर पे और फिर बड़े इंटरेस्टिंग किस्से जो है वो निकल पड़े एंड इस पे कभी और भी दिलचस्प इसके ऊपर गुफ्तगू होगी इस पे बहुत सारी गुफ्तगू होगी नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द न्यूजीलैंड बैटिंग Of course, they came about their business. Williamson वापस आए टीम के अंदर और बड़ी जबरदस्त उन्होंने इनिंग खेली 78 रन की लेकिन रिटायर हर्ट हुए वसीम रनिंग में भी वो थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे थे मे बी इट्स अ प्रिकॉशन एंड ही इज बीन आउट फॉर 6 मंथ्स वो जो उनको आईपीएल में इंजरी हुई थी और बड़ी सीरियस इंजरी हुई थी उनको
और आज भी 78 किए, लुक्ड द पार्ट, लुक्ड वेरी कंफर्टेबल, डिडंट लुक रस्टी एट ऑल, एंड दैट वाज हिज 450 इन वर्ल्ड कप्स इन जनरल. बट आई सपोज एक तो उसको बॉल लगे अंगूठे पे और उसके लिए भी बाहर गए. देखा ना, बड़ी क्रिकेट की शॉट्स की जब बात करते हो उसको पता था कि थर्ड मैन बाहर है. दिस वॉज आई थिंक शॉट ऑफ द डे, दिस वन प्रॉब्लम. वेरी गुड स्पिनर, very street smart, length bhi change kar da. Williamson is a very good maker, he's a technically very very sound player. I hope it's nothing to do with his knee. I hope ki unko ungli pe jo ball laga hai, unko ab 4 din ka gap hai, inka 5 din baad match hai, and that too in Chennai, so they'll be resting and recovering. Yeah, they would be. Aaj Ravindra Biswa, aapne player to watch out choose kiya tha Ravindra ko. Ravindra didn't do that well today. He got a really good delivery and credit to the Bangladesh bowlers, because Wasim ne bhi kaha unhone shuru ke overs bade zabardast jo hain wo aaj karaye hain. Does this add pressure on the young man, you know, because he's just new in the team? Ab expectation level itna bad gaya, unhone itni badi century ki hai piche aate saath itne bade match mein. How does he go about his business now? I don't think so. As an opener, आप अगर अर्ली आउट हो जाते हैं, दैट हैपन्स, क्योंकि बॉलर फ्रेश होते हैं. आज हमने देखा कि नया बॉल मूव भी हो रहा था, तो इट कुड हैपन टू एनी वन. बट द वे ही इज़ बैटिंग, अगर पीछे देखें तो बड़ा कंसिस्टेंट ही रन्स करते हुए आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उनके लिए भी कोई इतनी ज़्यादा वरी होगी और टीम के लिए भी. सबसे अच्छी चीज़ यह है कि उनके सारे बैट्समैन अभी तक नज़र आ रहा है कि बड़े अच्छी फॉर्म में रन्स कर रहे हैं. हाँ, फिलिप्स का एक आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, बट आज उनको भी थोड़ा मिडिल में टाइम उनका भी गुजरा है. तो मेरे ख्याल में बहुत कॉन्फिडेंट बैटिंग लाइनअप है, और द वे आज विलियमसन को भी अगर देखें, उन्होंने टाइम लिया, देखा अच्छी बॉलिंग हो रही है, रिस्पेक्ट दी, और वो जो फर्स्ट 10 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसको जिस तरीके से डेविन कॉनवे और केन विलियमसन ने नेगोशिएट किया, वो बेसिकली टाइम था जब उन्होंने बांग्लादेश को मैच से बाहर किया. बिल्कुल ऐसी है. डैरल मिचेल, मोइन, लुक एट दैट, व्हाट एन इनक्रेडिबल इनिंग्स बाय हिम टुडे अगेन. 89 बट 132 के स्ट्राइक रेट के साथ, 132% स्ट्राइक रेट के साथ, वेरी स्पेशल प्लेयर. बिल्कुल, पहली गेंद से अंदाजा हो गया था जिस तरह वो आए और उन्होंने काउंटर अटैक किया. उस वक्त विकेट गिरी थी नेचुरली, और उसने आते ही पहली गेंद पर चांस लिया, थोड़ा सा टॉस करके फ्लाइट किया था मिड ऑफ पीछे रख के, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग शॉट खेला. ऑल्दो वो मिडिल नहीं हुआ था, बट टेकिंग अ चांस एट दैट टाइम, वो बहुत बड़े दिल के साथ खेले हैं क्रिकेट. पॉजिटिव नज़र आए थ्रू आउट, जहाँ बॉल मिली है कोशिश की है, बैट बॉल को तो स्पेशली उन्होंने पनिश किया ही किया है, अच्छे बॉलों को भी कन्वर्ट किया है इनटू बाउंड्रीज, यू नो. तो ये क्वालिटी होती है प्लेयर की मिडिल ऑर्डर में आके, जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, तो ऐसे प्लेयर को सारे शॉट खेलने आने चाहिए. और वो तमाम शॉट्स हमने देखे, रिवर्स स्वीप भी मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से स्वीप शॉट मारते हैं, सारे शॉट्स मौजूद हैं. और साथ साथ जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेम्परामेंट भी है, यू नो, जहाँ ज़रूरत होती है विकेट पे ठहरने की, वो रुकते हैं विकेट के ऊपर. और अच्छी फॉर्म में भी हैं. इस साल में उन्होंने 781 रन्स बनाया है विद द एवरेज ऑफ 48.81. सो ही इज बीन इन प्राइम फॉर्म, और बड़ा प्लेटफॉर्म, एंड आई गेस कंसिस्टेंटली ही इज स्कोरिंग रन्स व्हेन ही गोस स्ट्रेट विद द स्ट्रेट बैट. अगर मिड ऑफ ऊपर और नीचे पीछे भी है स्पिनर को, मारते तो सीधे बल्ले से मारते, क्रॉस डाउन द ग्राउंड जो है बड़ा अच्छा खेलते हैं, एंड इक्वली स्ट्रांग जो मैंने देखा है शॉर्ट पिच को भी बड़ा अच्छा कंट्रोल से मारता है वो शॉट. सो बहुत अच्छी फॉर्म में है, और ही नोज हिज गेम. जो टीम भी उनसे एक्सपेक्ट करती है वो उस पर पूरा उतर रहे हैं, और वो ये नहीं देखते कि जल्दी आउट हो गए या नहीं, वो अपना गेम खेलते हैं. और आई गेस क्रिकेट अब इस जगह पे पहुंच चुकी है, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट, यू गॉट टू प्ले योर ओन गेम. एक बड़ा अच्छा विजुअल दिखाया था जिस वक्त मिचेल अंदर आने वाले थे, उस वक्त नेक्स्ट है वो इन, तो जब कैमरा उनके पड़े तो ही वॉज जॉनिंग. तो मुझे बोर नहीं हो गए थे वो, ये प्रेशर होता है कभी कभी. मुझे सीरियसली अपना टाइम याद आ गया, कैलकाटा में जब टेस्ट मैच हो रहा था हमारा, वो फेमस टेस्ट मैच जिसमें बहुत सारे लोगों को ग्राउंड से बाहर करना पड़ा था, और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान जीता था. तो 4 आउट थे, नेक्स्ट 5वां आउट होता तो 7वां मैंने जाना था, वसीम भाई के साथ मैं बैठा हुआ था और आउट हुए जा रहे थे, पर मैं बार बार जमाइए, मेरी जब भी प्रेशर पड़ता था मुझे नींद आनी शुरू हो जाती, रिलैक्स हो जाए. सीरियसली टेंशन तो होती है, मेरी आदत ही है वो, बस जैसे सईद भाई जाते थे, यू नो, सईद भाई आंखें बंद करके म्यूजिक सुनते थे, तो वसीम भाई एकदम मुझे पलट के कहते हैं,
उधर आउट हुए, तू सो रहे थे, पागल हो गए, बहुत ठीक ठाक डांट पड़ी थी। फिर जाके सत्तर किया हम 26 में 5 आउट थे, 26 में 5 आउट हुए थे। ये बीमारी पुरानी है, टॉस जीत के ऐसी बॉलिंग की थी, बैटिंग की थी और बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था। सही। और मोइन भाई, इमरान ताहिर जो है वो बता रहे थे उनके बारे में कि वो पैड्स पहन के, अगर उन बैटिंग आ गई है उनकी साउथ अफ्रीका की, तो वो पैड्स पहन के वो सो जाते थे ड्रेसिंग रूम के अंदर। राइट। जहाँ से आपको मैच दिखता है वो देखने भी नहीं आते थे। तो कह रहा है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि नेक्स्ट नंबर था जैक कैलिस का, तो वो मैं 12th मैन था, इमरान ताहिर कहते हैं, कह रहे हैं मैं भाग के अंदर गया हूँ, तो मैंने ये देखा कि वो पैड्स उन्होंने पहने हुए हैं बट वो सो रहे हैं। तो मैं उठाने लगा तो एक दूसरा प्लेयर आ गया और डोंट डू इट, डोंट वेक हिम अप। अगर वाई ही इज गोइंग नेक्स्ट, लेट इट बी। अच्छा। तो वो नहीं देखते थे, और जब बारी आती थी उनको उठाया जाता था बकायदा, सर आपकी आ गई है बारी, आप जाके बारी ले, फिर वो आते ही नहीं थे वापस, फिर अंदर जाके बेस्ट ऑलराउंडर वगैरह, वन ऑफ द बेस्ट। आई सपोज दैट वाज हिज रूटीन, बट ही हैज डन समथिंग राइट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, और नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इन फैक्ट द बेस्ट ऑलराउंडर द क्रिकेट हिस्ट्री हैव एवर सीन। इफ यू सी हिज रिकॉर्ड, वी टॉक अबाउट द ग्रेट्स गाफिल्ड सोबर्स, आई सपोज वो तो ग्रेटेस्ट थे, बट ही इज डेफिनेटली up there. Yeah, we were very lucky to see him in the US T10 Masters just recently in action again. So wahan bhi soye the ke nahi dressing room mein bari se pehle, kyunki maine unke kuch shots dekhi thi, maar to bahut rahe the wahan par, okay aaye hue har match mein, mere khayal mein second highest hai, har match mein 40-50 ho gayi, wo matlab bada, it was like no, it was like and he's a scratch golfer, a very serious golfer. South Africa is a golfing country, they start off when they're young, but कोलकाता में हम साथ थे, ये प्लेयर भी थे, बड़ी परफॉर्मेंस करते थे, तो गोल्फ मैन के साथ खेले जाता था। ऑलराइट, अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन हियर इन द पवेलियन। देखते रहिए, जुड़े रहिए और मुसलसल हमारे साथ रहिए राइट हियर इन द पवेलियन। Welcome back to the Pavilion. Main Kapil Adam, aap dekh rahe hain Sports and Sports and the RYZ app, our continued coverage of the ICC World Cup. Now the news out of Chennai is that New Zealand won their game against Bangladesh, and with that they go up on 6 points. With me in the pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah ul-Haq, Moin Khan, and Wasim Akram. Or the way forward ka time hua hai, Moin. Kaise hain aap? Alhamdulillah, main batau. All right, Misbah, what's the way forward for Bangladesh today? बार बार नहीं, वो जो आपने ब्रेक में बताया था, ब्रेक में बताया, प्लीज वो बता। कम ऑन, क्यों बयान करवाना? बयान थोड़ी हो रहा है, दैट्स इट वाज फनी एंड प्रोबब्ली ट्रू। आई थिंक हम बार बार बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, 30-40 रन से आपकी टीम नहीं जीतेगी जब तक कि टॉप के जो चार बैट्समैन हैं उनमें से कोई 100 नहीं करेगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद बांग्लादेश एट द मोमेंट, इनएक्सपीरियंस हैं बैट्समैन इनके, बड़ी स्टेज है उस तरीके से कंट्रीब्यूट। आई लव द क्रिकेट, आई लव द पैशन दे हैव, बट लिटन दास हैज बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, यू नो दीस गाइस आर नॉट यंग एनीमोर, सो अबाउट टाइम। अब देखो ना, अब लिटन दास ने पहली गेम, ठीक है वो बुरी बॉल थी, वो नेचुरली वो शॉट लग गया उसका, बट 50 ओवर गेम, फुल प्रूफ, फाइन लेग पीछे है तो उसको सिंगल कर लो, सेट हो जाओ। अब ये चीज़ें लिटन दास को हमें बतानी चाहिए जितना पुराना वो खेल रहा है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ये मे बी तंजीद थोड़ा इज अ न्यू गाय, मे बी आई एम नॉट श्योर, इसके सिर्फ 8 मैच है, या सिर्फ 8 मैच है। शांतो भी बड़े अरसे से मैं देख रहा हूं, शांतो के थोड़े मैच हैं, थोड़े बट रेगुलर खेल रहा है। शाकिब ऑफ कोर्स हैज बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग, सो इज मुशफिकुर, ही प्लेड वेल। महमूदुल्लाह एक्सपीरियंस है, उसने भी आज 41 किए है, बट इट्स कंसिस्टेंसी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, बांग्लादेश में शायद है, बट आई सपोज दीज गाइज हैव टू स्टेप अप, स्पेशली इन द बिग टूर्नामेंट। मुझे लगता है वसीम भाई कि अगर वो अच्छी पिचेस बनानी शुरू कर दें तो व्हाट सॉर्ट ऑफ पिचेस दे मेक, देखें वो जो भी सीरीज जीतते हैं किसी भी टीम से वो लो स्कोरिंग होती है, तो इसका मतलब है कि उनके जो स्पिनर्स हैं, जो हमने स्टैट्स भी देखे थे प्री मैच में, वो नजर आ रहे थे। सो यू थिंक इन अ लॉन्ग रन फॉर बांग्लादेश क्रिकेट, बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, सो दे शुड बी लिटरली, you know, not beating regularly but competing against the top side on a regular basis away as well. But do you think because of those pitches, agar home ground pe jeetna itna zaruri nahi hai jitna ladkon ko sikhana zaruri hai? Dekhen wo hamare sath bhi ek case hua tha, hamare paas bhi agar aap peeche jaye hamari domestic cricket mein to kya hota tha, bahut zyada seaming tracks bante the,
तो 140 वाले आने कम हो गए थे, तो आपको जो बैटर्स थे वो भी कम मिल रहे थे, उसका इफेक्ट यहाँ तक हुआ कि हमारे पास स्पिनर्स भी आने जो है वो कम हो गए। तो ये सेम गोज फॉर बांग्लादेश, उनके भी पास जो है मोस्टली उनके जो मीरपुर ऐसा वेन्यू है वहाँ पे इट्स नॉट ईजी टू बैट ऑन। ऑल राइट फोक्स, अब आपको बताते चलें कि क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि कल है बड़ा मुकाबला, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, दिस इज द मदर ऑफ ऑल मैचेस, दिस इज द बिग वन, इट इज फॉर यू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद से कल 1:30 बजे ये आपके सामने आएगा। और बहुत सी बात होनी है इस मैच के हवाले से, देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट टॉक्ड अबाउट एंड वी आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट। याद रहे हैशटैग आस्क द पवेलियन आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है, ये रहा हैशटैग आस्क द पवेलियन, इस पे अपने सवालात भेजने शुरू कर दीजिए, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो हमारे सोशल्स हैं वहाँ पर शेयर, जो सवाल हो वो पूछिए। हम अब से कुछ देर बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालात लेंगे, आपके कमेंट्स लेंगे और अपने पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। देखते रहिए द पवेलियन। वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एआरवाई ज़ैप ऐप इन आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। चेन्नई से खबर, न्यूजीलैंड हैव वन देयर गेम, बांग्लादेश वेल दे हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट, एंड विद दैट हैशटैग आस्क द पवेलियन का सिलसिला शुरू करते हैं। विद मी इन द पवेलियन आई हैव गॉट फोर आउटस्टैंडिंग क्रिकेटिंग माइंड्स, आई हैव गॉट शोएब मलिक, मिसबाह-उल हक, मोइन खान एंड द ग्रेट वसीम अकरम। और सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से, वसीम दिस इज फॉर यू एंड मोइन बोथ, सौरदीप है, सौरदीप पूछ रहे हैं कि कैन द पैनल प्लीज डिस्कस देयर प्री मैच फुटबॉल प्रैक्टिस सेशंस, वी हैव हर्ड दैट इंजी एंड राशिद भाई वर द मोस्ट डेंजरस फुटबॉलर्स, वी वांट टू नो मोर, प्लीज एक्सप्लेन दैट। देखो मुझे शुरू से स्ट्रीट स्मार्ट था, जब इन्होंने शुरू की ना सॉकर के हम वार्म अप करते हैं, सो उसका मतलब है कि आप हल्का सा भागो, यू नो टैकल भी ना करो, पास दे दो, इट्स नॉट अ मैच, इट्स जस्ट अ वार्म अप। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ professional football match and a warm up. Rashid and quite a few Ijaz as well, they used to get serious. Spikes pehen ke takre maare hote the. Oh, main kya na, maafi de dio yaar, ki ho gaya hai. Soccer shoes bhi pehne the. Aur main sirf itni mujhe samajh aa gayi thi, yahan main referee banta tha, yahan goalkeeper. मैं यहाँ रेफरी इसलिए के साथ भागता रहूँ, वार्म अप होता रहे और गोलकीपर के मुझे यू नो ठुडा ना कोई मार दे, इतने ये सीरियस होते थे फुटबॉल में। ऐसे हुआ है वार्म अप के अंदर, लेकिन मोस्टली फिर ये करते थे जब इस तरह के जब टसल शुरू हो जाती थी उसके आपस में हर बंदे की ऐसी एनजी वाज वेरी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, साइज भी तो माशाल्लाह ऐसा था कि वो ही कुड अफोर्ड टू बी एग्रेसिव। बांग्लादेश की स्टोरी सुना दो, बांग्लादेश में वसीम अगर आपको याद हो टेस्ट मैच 2.5 दिन में खत्म हो गया, चिटागोंग में था शायद, और उसके बाद ना द टीम हैज डिसाइडेड टू प्ले अ सॉकर मैच। हम जो जूनियर्स थे वो एक तरफ होते थे, सीनियर्स एक तरफ होते थे, मैं और यूनुस भाई जो थे वो जूनियर, यूनुस ही बहुत सीरियस था, वो भी बहुत सीरियस था, हम लोगों ने ना गलती से 2 गोल कर दिए। अच्छा, गलती से वो मैच जो है सॉकर वाला वो होना था 1/2 घंटे का, वो फिर तकरीबन 2.5 घंटे का हुआ, जब तक स्कोर बराबर क्योंकि जब हम लोगों ने 2 गोल्स कर लिए तो यूनुस भाई ने मुझे कहा मलिक पीछे आ जाओ, अब गोल नहीं होने देना, हम पीछे चले गए दोनों, हम गोल नहीं होने दे रहे थे, वो 1/2 घंटे से वो 2.5 घंटे पे चला गया, जब तक 3 गोल उन्होंने नहीं किए मैच खत्म नहीं हुआ। I hope you get your answer. You got your answer. Ajmal का सवाल है, वसीम अकरम आपसे, मैं इसलिए आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चूंकि अजमल ऑफिशियल 22 आपका ट्विटर का हैंडल है @AjmalOfficial22। आपका सवाल वसीम अकरम से है कि why were you not allowed to bowl a bouncer to number 11 batsman? Was that considered to be against the spirit of cricket at that time? उन्होंने एक वीडियो लगाया हुआ है TikTok से निकाल के, मिस्मा ने दिखाया ना, तो ये क्या था कहानी, what was it? जरा मैच का बता दें, बैट्समैन को बताएं। Second test match, it was Dunedin. Mera first tour tha. I was just over 17. First time traveled abroad. Thanks to great Javed bhai, he took me under his wing. Sara kuch sikhaya. Wahan ka khana kya hota hai? Main to kadai labban chala gaya tha pehli raat. 85. Christchurch. Really? 7 bande honge 85 mein. Wow. Usme se 12 hamari team thi ya 15-16 jo bhi the. It was very small but stunning town. And Dunedin test, teesra test tha. I think mera second tha if I remember. Usme maine 10 out kiye the. To ye पार्टनरशिप लगी हुई थी तो मुझे तो अंग्रेजी समझ नहीं थी आती उस वक्त बिल्कुल, थोड़ी बहुत गौरव अंपायर की तो बिल्कुल नहीं आई, उसने शायद मुझे वार्निंग दी होगी तो मुझे समझ नहीं आया, मैं जाहिद भाई ये कुछ कह रहा है, जाहिद ने कहा मेरे पे छोड़ दो,
तुम करो। तो कप्तान ने कह दिया तो मैंने दोबारा उसको एक बाउंसर मारा। पहले उसको पहले मैं क्रिस केन्स को मार चुका था बैक ऑफ हिज हैंड, लांस केन्स को, सॉरी हिज डैड, वो बगैर हेलमेट के आए थे, उन्होंने डक किया ऐसे बिल्कुल यहाँ लगी, एंड इट वॉज सो स्केरी एज अ यंग किड फॉर मी बिकॉज लिटरली दे हैव टू यू नो स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ा उनको। एंड देन फिर चैटफील्ड को मैंने दो तीन ऊपर ओवर किए तो मैं तो साइड पे हो गया, जावेद भाई अंपायर से लड़ते रहे। अच्छा, so that's, I didn't know what was happening. So you were young, you didn't know the whole thing at that time, which is I knew what was happening. उसने मुझे किया वार्निंग, पर मैंने कहा कप्तान है वो देख लेगा। All right, fair enough. Lindt Chocolate Morbius 22. Lindt Chocolate नाम आपका है और Morbius 22 हैंडल है आपका। आज सब पवेलियन में आप पूछ रहे हैं माय पैनलिस्ट से एक सिंपल सवाल, माय सिंपल क्वेश्चन, कीपिंग असाइड ऑल द स्टैट्स एंड परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू थिंक इज द गट फीलिंग अबाउट टुमारोज मैच, विन और लॉस, नो इफ्स एंड बट्स। लेट मी स्टार्ट बाय यू श्वेत। बड़े बैठे हो तो कैसे शुरू कर सकते हैं, बड़े आ जाए, चले मिसबत उसे शुरू करते हैं। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। पाकिस्तानी आप कैसे ये सोच सकते हैं आपकी टीम इंडिया के साथ खेल रही है? वो ये नहीं कह रहा, दिल सोच रहा है। नहीं, दिल सोच रहा है, बट अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया इज मच बेटर देन पाकिस्तान इस वक्त करंट फॉर्म में अगर देखा जाए तो। क्लियर बात है, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना मुश्किल सवाल है ये, बट हम एज अ पाकिस्तानी मेरा नहीं ख्याल कि हम पांचों में से कोई भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान हारे। पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो इट डजंट मैटर कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी अच्छी फॉर्म में है, इट्स टोटली अ डिफरेंट गेम। इसमें ऑन द डे किसकी लक और कौन बेहतर क्रिकेट खेलता है और स्पेशली कौन बेहतर प्रेशर हैंडल करता है, साइकोलॉजिकली जो स्ट्रांग ऑन द डे, इसका एक ही है बड़ा जबरदस्त आंसर। मैच अगर ज्यादा टाइम क्रंच सिचुएशन में जाएगा तो इंडिया के चांसेस ज्यादा है। ओह गुड पॉइंट। या अगर मैच कम क्रंच सिचुएशन में जाएगा तो पाकिस्तान जीतेगा। हमने कल भी बात करनी है इस पे बाय द वे, बट एज अ इक्वल नो आप ट्यूबवेल, नो आप ट्यूबवेल। I don't know what to say to that. I'm speechless. We changed the subject. That's okay, but where did the tube well come from? I don't know. That's fine. My yes, mind works differently. Is ek dusra bhi ek tarika hai ab change karne ka subject, rise of the cobra. Chale Mohit bhai. Oh, the silver fox litters. Acha ji, all of you panelists have played against India in World Cup match. What is experience and what which team in the past had best chances? Takveem Sultan. Takveem Sultan aapka hai, M Takveem handle aapka hai. Takveem Sultan ka sawal hai. Aap charon ne India ke khilaf World Cup ke matches mein khela hua hai. Apna apna experience share kar lijiye. Well, humne jab khela to hum haare hi hain hamesha. Do dafa mujhe yaad hai India ke sath khela 99 mein aur 92 mein. वो दोनों मैचेस हम हारे हुए। ये मिथ टूटी थी अभी लास्ट यूएई में जब पाकिस्तान ने 10 विकेट से इंडिया को हराया, बट हमारे एक्सपीरियंस को इतने अच्छे नहीं रहे, कोई ऐसी चीजें नहीं बताने वाली, बट इट वाज अ एट लीस्ट यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट व्हिच वी अप्रिशिएट। मैं आपको बताता हूं, यू हैव मस्ट हैव अबाउट या यू सी इंडिया पाकिस्तान में हम वर्ल्ड कप्स में 7 मैच में से 7 हारे उनसे। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वो जो आम बंदे की तो बात नहीं कर रहा, उनके जो चैनल्स हैं वो रुकते नहीं हैं, बट ओवरऑल मैं बता दूं आपको 134 मैच हुए हैं दोनों टीमों में, इंडिया पाकिस्तान ODIs पाकिस्तान 173, इंडिया 56, नो रिजल्ट 5, इन एशिया 101, 58 पाकिस्तानी, 39 इंडिया, इन इंडिया मैचेस 47, 28 पाकिस्तान, 19 इंडिया, बस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नन, इंडिया 7। सो उनका जो नया प्रोमो है स्पोर्ट्स चैनल पर वो यही है क्या 8 का इंतजार और समथिंग 8 का, वेल ओके दैट्स द वे दे वांट टू लुक इट, बट अगर पाकिस्तान का अगर ओवरऑल आप देखें पाकिस्तान काफी अहेड है, वेरी गुड, कंसिस्टेंटली इंडिया को फिर पाकिस्तान से 10 साल जीतना पड़ेगा तब ये नंबर आई नो करीब आएगा। इट इज द राइवलरी ऑफ एजेस, राइट? दिस इज यू नो वो कहते हैं ना, इट्स अ ग्लैडियटोरियल कॉन्टेस्ट। इट रियली इज। आई मीन वी टॉक अबाउट द मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट सॉकर, उस ये नंबर 2 पे आती है दुनिया में एज फार एज आई बॉल्स कंसर्न, द व्यूअरशिप कंसर्न ऑन टेलीविजन, एंड टुमारो सोल्ड आउट एज वी नो द स्टेडियम, 120,000 110,000 प्लस पीपल सिट एट द अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एंड
you know, at least billion plus people will be watching. As a spectator, we would want to see a close contact. Yeah, बिल्कुल. ये मैंने दो दिन पहले भी बोला था. Close contact. It doesn't matter which team wins. We want to see a good game of cricket. Yeah, yeah, yeah. जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया के T20 World Cup में देखी थी, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था. देखिए, एक बहुत बड़ी motivation भी है पाकिस्तान टीम के, क्योंकि यही टीम थी जिसने एक वो पूरा जो लूजिंग स्ट्रीक तोड़ी थी T20 वर्ल्ड कप में. तो इनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है कि अभी तक हम वर्ल्ड कप में नहीं जीते, और अगर ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम करती है और अभी लग नहीं रहा, एंड देन पाकिस्तान विल बिकम द फेवरेट्स इन दिस वर्ल्ड कप. कल का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट. शायद वो इसी जगह पे ही टूटनी थी जहां पे कल मैच होने जा रहा है. यू नेवर नो, यू नेवर नो. आई मीन, वी विल होप फॉर द बेस्ट, बट वी वांट अ गुड कॉन्टेस्ट. कौशिक लक्ष्मण कह रहे हैं आज द पवेलियन में, भाई आप लोग भी BCCI एंड ICC जैसे रूल्स बेंड करिए, एंड कल वाले मॉर्निंग मिड मैच एंड पोस्ट मैच शो को YouTube में लाइव ब्रॉडकास्ट करें, ओनली फॉर टुमारो. अ सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम अ बिग फैन ऑफ द शो. कौशिक, यू नो, एज मच एज वी लव टू डू दैट, एंड वी रियली अप्रिशिएट द YouTube व्यूज और आप लोगों की जो कमेंट्स आ रही होती हैं आप लोग, दैट्स जस्ट वेरी इनकरेजिंग फॉर अस एंड वी लव इट, एंड वी लव टू डू दिस. बट वो कुछ लीगल इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट्स के, ब्रॉडकास्ट के, वो इस वजह से हम इसको लाइव नहीं कर सकते. बट मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जो है वो जितनी जल्दी इसको अपलोड कर सकें यूट्यूब पे वो करें. बट आई नो दैट इट डजंट रियली मैटर टुमारो, बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी वॉचिंग बॉल बाय बॉल द मैच. बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट दैट वी हैव. अस आल्सो, यस, हम भी नहीं मिस करना चाहते हैं. हम भी बिल्कुल, हमने जो है कल तो खास तौर पे मोइन भाई ने खास एक बंदोबस्त किया है, मटन कुन्ना बनवा कर ला रहे हैं बहुत सारी रोटियों के साथ, ताकि मुसलसल टीवी के सामने. बेसिकली मैंने इसीलिए किया, मुझे ये डर है कि मैं अगले 30 दिन में मैं आप ना कुन्ना बन जाऊं. लेकिन मोइन भाई एक दफा बता देना कितना बनवाया है. 30 किलो इनकी जो खुराक मैंने देखा है, 50 रोटियां उसमें और 20 किलो कुन्ना है. तो आप अंदाजा कर सकते हैं दोनों माशाल्लाह कितने शौकीन हैं खाने के. फिर और ये स्पेशल फरमाइश है, याद रखिए हम दो पे आए ना, कल किसी को हाथ नहीं लगाने देना. नहीं मोहित भाई, मोहित भाई अगर 20 किलो है ना, तो वो देश के च नहीं आना, उते टैंकी च भर देंगे नाल दे जरिए आंदा रहे. I don't know what to say to that either. Okay, we move on with our pavilion. सवाल आया है अब्दुल जरीफ से. अब्दुल जरीफ 3881, बहुत लंबा सा नंबर है आगे. अब्दुल जरीफ कहते हैं टू द पैनलिस्ट, व्हाट वुड बाबर आजम बी गोइंग थ्रू टुनाइट, व्हाट वुड बी ऑन हिज माइंड, व्हाट शुड ही बी थिंकिंग अबाउट राइट नाउ, एंड हाउ शुड ही बी मोटिवेटिंग द बॉयज टुनाइट इन द होटल. आई थिंक दैट बिट हैज ड्यूरिंग द डे जो मीटिंग्स होनी थी, यू डोंट वॉन्ट टू गेट पैनिक्ड एंड थिंक्स डू समथिंग डिफरेंट. Treat it as a game, कोई वर्ल्ड कप का मैच है, बड़ी टीम से मैच है, treat it like this and do the things you normally do. Nothing out of the ordinary, nothing different, just a routine thing in my opinion. That's what we did before the big games. हाँ, मेरा ख्याल है कि बाबर का ये पहली दफा शायद इंडिया में खेल रहा है, और बाबर के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी. पिछले काफ़ी दिनों से बाबर से स्कोर भी नहीं, इंडिया के खिलाफ भी इतना स्कोर नहीं हो. तो आई थिंक जिस तरह मैंने देखा कि विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है ना, वो एक बड़ा अपने अंदर नज़र आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई चैलेंज लेके आया हुआ है. तो उस तरह का थोड़ा सा बाबर को कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ जिस तरह का जिस प्रेशर का मैच है, तो कप्तान का परफॉर्म करना भी इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा सी भी गिर गई ना, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा पूरी पाकिस्तान टीम पे. Well, there you have it about the captain. Wish him all the best, not only for tomorrow but for the rest of the World Cup, and we really hope that he takes flight with the rest of the Shaheens. And with that, we're going to take a break right here on the pavilion, but when we come back, there are more questions from hashtag Ask the Pavilion. Dekhte rahiye. Welcome back to the Pavilion. We are getting all set for the big game tomorrow. It's India versus Pakistan. Hashtag Ask the Pavilion ka silsila shuru hai. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Mr. Alag, Moin Khan and Wasim Akram. Questions are coming in. Aur ye agla sawal hai, very interesting. Salt March Inc. Aapka Twitter handle bhi hai, Salt March Inc. Esports. I'm an Indian in New York City and think you guys are great because of your honest and fearless opinions about players and the system. Unlike India, where everyone is afraid of IPL and BCCI. So, my question is, can you guys criticize them if needed?
firstly, we don't like to criticize for no reason at all. I mean, we like to talk about things objectively and think, you know, talk about things, how they can be improved. Kis tarah hum behtri la sakte hain, hamare system mein bhi aur cricket mein overall bhi. And secondly, I think there are plenty of media houses in India and plenty of journalists in India to take on that role of criticizing on BCCI and the IPL. However, let me just say thank you very much for watching in New York City. अगला सवाल है मोहम्मद फैसल जावेद की तरफ से. मोइन भाई, एक दफ़ा मैच में शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे. मोहम्मद फैसल जावेद मोइन भाई से सवाल. मोइन भाई, एक दफ़ा मैच में शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे, इंजरी थी, हम घर में मजाक कर रहे थे कि अब मोइन भाई ने क्या है जोर लगा, नहीं तो बाहर जाके बैठ जा, और रियल में यही हो गया था. तो असल में क्या कहा था आपने शुएब को? हाँ, शुएब अख्तर को. वो कोई निकल गया होगा उस वक्त, मेरा मतलब है कि हाँ नहीं, परफॉर्मेंस ऐसे ही जारी होती है. हाँ. नेचुरली कभी कभी आप ऐसे वर्ड्स कह देते हैं अपने प्लेयर्स को कि यार जान मत. वन फनीएस्ट थिंग दैट यू एवर सेड टू अ बॉलर, कोई ये एक चीज जो आपके दिमाग में यार ये मैंने क्यों कहा था बॉलर को? मोइन नु कल दी गल याद नहीं कि तू कह रहे 10 साल पहले दी गल से? नहीं, मुशी के साथ अक्सर होता था वसीम भाई. दोनों की बात कर रहा हूँ, नहीं बातें याद इतनी. आपको तो सब याद रहती है. आपको तो वो So he's joining us. He'll get there. He'll learn. उसको ट्रिगर होंगी, आती जाएगी बातें. गुड कवरेज वसीम भाई. लेकिन वो मुझे इधर मेरे कान में बता रहे होते हैं आपकी स्टोरी. ये देखें, वो उधर कान में बता रहे होते हैं आपकी स्टोरी. वसीम, ये क्या कान में छूटा सर डेड बर्थडे पाई हो गए सामने गल दस. मुशी को बोला तूने खबरदार जो तूने गुगली की, ये ब्रिस्बेन में हुआ था, खबरदार जो गुगली की. रात मेरा हुआ था मुशी से पड्डा, लड़ाई हुई थी, आया पहली गेंद करने, शॉर्ट पिच गिरी, लेग ब्रेक बॉल थी, उसने बैकफुट पे गया, उसने मारा जोरदार किसी मैंने चौका ही हुआ. वसीम, मैंने मेरी तरफ देखा, मैंने यूं इशारा कर दिया बस, हल्के आगे गुगली की. तो मुशी को एकदम इन्होंने डांट, अरे तुझे मना किया था मैंने कि गुगली नहीं करी, कहना खुदा पाक नहीं कैसे पाए गुगली नहीं की थी. वो हर चौथी गेंद करे थे मोइन पिक्चर में, मोइन अल तक्का मिड ऑन पे खड़ा था, मोइन अल तक्का थे वो गुगली, मोइन करी गुगली की थी. मैं मुशी पे अटैक, मुशी के पाए खुदा दी कसम मैं गुगली नहीं की. और मुशी था भी झूठा जवानी में, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं ऐसी गल मनना के मैं ऐसी गल मनना. और अब आपको जाके पता चला कि झूठ ये बोल रहे थे. ठीक है, मैं अपना स्कोर सेटल करता था, रात मेरे बर्थडे होते थे, हम दोनों रूममेट थे. अच्छा, कमरे का बदला ले लेते हैं ग्राउंड में जाके. नाइस, लवली. जुनेद मोगल आपसे पूछ रहे हैं. वसीम अकरम, जुनेद हियर फ्रॉम लाहौर. वसीम भाई, कल के मैच में पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या गेंदबाजी? लुक, बाबर को टॉस जीतने का कोई गुर है, गुर ही सिखा दे. ये तो मैं इसके आई डिडंट वांट टू से इट, बट आई थिंक दैट्स इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड के अभी क्या कर सकते हैं. पिच का नहीं देखा मैंने, मुझे वहाँ की कंडीशंस नहीं पता. एक चीज़ पता है, गर्मी होगी वहाँ पे. सो इट ऑल डिपेंड्स के ड्यू फैक्टर है नहीं है. इट ऑल्सो डिपेंड्स पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. हमें क्या, हम यहाँ से बैठे उन्हें कह देंगे जी पहले बैटिंग कर लो या बॉलिंग कर लो. अगर ओस का फैक्टर नहीं है, अगर ड्यू फैक्टर नहीं है वहाँ पे, वो पता लग गया होगा उनको, प्रैक्टिस की होगी उन्होंने शाम को, आज प्रॉब्ली वुड हैव फाउंड आउट कि ड्यू फैक्टर है तो कितना है. अगर वो नहीं है, बिग गेम ऑलवेज रन्स ऑन द बोर्ड मैटर, बट इफ इज़ अ ड्यू फैक्टर देन दे माइट हैव टू थिंक कि करना क्या. एक चीज़ और भी, अगर पाकिस्तान टीम की कंपैरिजन किया जाए बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, तो बैटिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है राइट नाउ. लोगों ने वो मैचेस देखे हैं. तो एज वसीम भाई सेड, अगर ड्यू फैक्टर नहीं है तो ऑलवेज गुड टू हैव रन्स ऑन द बोर्ड. ऑलवेज गुड टू हैव रन्स ऑन द बोर्ड. अच्छा जी, वकार अहमद अफजल का सवाल है, व्हाई नॉट पिक उसामा मीर फॉर टुमारोज मैच, इट माइट बी द सरप्राइज पैकेज फॉर इंडिया जस्ट लाइक सोहेल तनवीर इन 2017-20 वर्ल्ड कप एज दे आर मच फेमिलियर टू
Shadab's deliveries. No, so, I understand. A lot of people are asking this question. मैं actually वसीम इसको थोड़ा सा और इसमें चीजें ऐड कर दूँ, क्योंकि ये बहुत सारे सवालात जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, और बहुत सारे सवालात में दो तीन चीजें हैं जो कि मैं इकट्ठा ताकि इस पैनल पे हम इसको डिस्कशन करें। आज तो पवेलियन पे बहुत सारे भाइयों ने एक तो पूछा कि हम उसामा मीर को अंदर ले आए, शादाब को रेस्ट करा दें, कोई कह रहा है कि जी इमाम को ड्रॉप करके फखर जमान को कल खिला दें, कोई कह रहा है कि वो आप एक और जुने उसको ले आए, अपना जो इमरान खान जूनियर है उनको ले आए, अगर रिवर्स विंगर वसीम जूनियर, माय अपोलॉजीज, उनको ले आए, वसीम जूनियर को ले आए, फिर कोई कह रहा है कि आप उस पर रद्दो बदल कर दें बैटिंग लाइनअप में। सो देयर आर ऑल दीज थिंग्स, बट लेट्स जस्ट एड्रेस देम, द फ्लोर इज ओपन। जितनी भी चेंजेस की लोग बात कर रहे हैं, प्लीज जेंटलमैन। अच्छा, मैं इस पर सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब प्रेशर गेम में आपने जाना है तो कोशिश आपने करनी है बीइंग द कैप्टन, बीइंग द मैनेजमेंट के काम रखना है टीम को। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना सडनली कि जिससे नज़र आएगा टीम अंडर प्रेशर होगी। आप आउट ऑफ द वे जाके कोई चेंज करेंगे ना तो वो शो कर रहा है कि यू आर अंडर प्रेशर, और प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो रोल कहीं ना एकदम आपकी टीम में डिफरेंट किस्म की सोचें शुरू हो जाती हैं। तो इसको सिंपल रखें, जैसे आप करते आ रहे हैं प्रोसेस पे अपने वो जोर दें। 11 नहीं खेलना है, राइट, ठीक है, वो जो 11 खेल रहे हैं उनको सोचने दें कि कल हमने करना क्या है मैच में, कैसे परफॉर्म करना है, बजाय इसके कि जो नहीं खेल रहे उनके बारे में सोचें आप। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गोइंग फॉरवर्ड। आपने एक टीम बनाई, आप समझते हैं कि ये हमारी बेस्ट 11 है, उसको आप बैक कर रहे हैं, उसको बैक करें और इसके बारे में सोचें कि हमने अगली टीम के खिलाफ हमारी प्लानिंग क्या है, हमने बॉलिंग किस तरीके से करनी है, किसको कहाँ आउट करना है, कहाँ हम मैच को कैसे लेके चलेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो कैस कब करेंगे, जब आपके प्लेयर्स को पता होगा कि ये टीम है, खेलते हुए आ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट अंदर जाते हुए। तो आप खुद ही वो कहते हैं ना, हम अपनी जबान में कि हम जिस तरह के ऐसी चीज़ को कर देंगे पहले टीम में खिलबली में जा दें, तो वो फिर थड़थली, तो वो सडनली ऑब्वियसली उसामा के लिए भी इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, कि आएगा अंडर प्रेशर होगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर अ कैप्टन, फॉर टीम मैनेजमेंट, जहाँ आपको मेंटल पीस मिले जो टीम खिलाने में, अगर वो शादाब के साथ है, यू शुड ऑलवेज, यू फील कॉन्फिडेंट, यू शुड ऑलवेज गो विद दैट टीम। वरना फिर ज़रूर इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक तो पहले फ़खर और इमाम पे आ जाते हैं। इमाम शुड प्ले, एज आई सेड के फ़खर जो है अगर वो 10 ओवर खेल रहे हैं और रन्स अगर 70-80 हो रहे हैं तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जिस दिन इमाम भी 10 ओवर्स खेलेंगे तो वो रन्स वही बनेंगे 50-55 इसके आसपास। बट इमाम का ज़्यादा चांस है कि अगर वो 10 ओवर्स खेलेगा तो वो 100 कर सकता है, क्योंकि रीसेंट फॉर्म जो है उसकी बेहतर है फ़खर से, नो डाउट। फ़खर जो है उसने बड़े सारे मैचेस सिंगल हैंडेडली जितवाए हुए हैं, लेकिन अभी के लिए इमाम। दूसरा एलिमेंट आ जाता है उसामा मीर इंस्टेड ऑफ शादाब खान, जैसे मिसबा भाई ने कहा और सारे डिस्कस कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जा सकता है, लेकिन एज वसीम भाई सेड यस्टरडे के वो रन्स का एलिमेंट आ जाता है। अब मैं ज़रा थोड़ा टेक्निकल उस पर आ जाता हूँ। उनकी बॉलिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है, वो इस तरह स्ट्रगल कर रही है कि एक बॉलर को मार पड़ जाए, अगर वो अच्छी जगह पर कर रहा है और उसे मार पड़ जाए तो इट्स फाइन, लेकिन उनका बॉल शॉर्ट गिर रहा है, स्टंप्स के बाहर गिर रहा है, कभी फुल टॉस, मैं शादाब की बात करूं, फुल टॉस हो जाती है, वो ज़रूर हो रहा है और ये कंसर्न है, लेकिन इस कंसर्न को दूर किया जा सकता है। वो इस तरह किया जा सकता है कि जैसे ही 10 ओवर्स होते हैं आप इफ्तिखार से बॉलिंग करा सकते हैं, और मुझे ये लगता है, ये मेरी सोच है कि जब विराट आए और 10 ओवर्स हो गए हों तो इफ्तिखार को विराट के सामने ज़रूर ट्राई करना चाहिए, वो चांस बनेगा। और दूसरी जो मेरे ख्याल में मलिक जो हम हमेशा बात कर रहे हैं, शादाब की, मुइन भाई भी बात कर रहे हैं कि उसकी प्लानिंग बेहतर करनी है आपने सर्टन बैट्समैन के अगेंस्ट। अभी वो मिड विकेट के फील्डर की वजह से ऑफ साइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग कर रहा है, और शायद उसको लग रहा है कि यहाँ से मैं इस तरफ को खिलाना चाहता हूँ और मैं मिडिल में नहीं जा रहा क्योंकि मिड विकेट का फील्डर ऊपर है। उसको थोड़ा सी प्लानिंग ठीक करनी चाहिए, भाई अगर मिड विकेट आपने रखनी है रख लें, मिड ऑन को ऊपर ले आएँ, क्योंकि मिड ऑन के ऊपर से अगर बैट्समैन ने चांस लेना तो वो अच्छे बॉल पर चांस लेगा, अच्छे बॉल पर चांस लेगा, दैट कुड बी योर आई मीन एक ऐसा गैम्बल है विकेट के लिए।
तो विकेट टू विकेट बॉल करनी चाहिए उसको, जो ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग हो रही है वो इंडियन पिचेस पे कभी भी आपको उसका फायदा नहीं। वो भी नहीं हो सकता, तो एक और चीज कर सकते हैं, जहां वो रखते हैं शॉर्ट फाइन लेग, फिर रखते हैं वो स्क्वेयर लेग और मिड विकेट के बीच में एक फील्डर, मिड ऑन पीछे होता है और एक शॉर्ट मिड विकेट होती है, वो ये भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा जिस जगह पे बॉल गिरना चाहिए वहाँ नहीं गिर रहा, आउट ऑफ फॉर्म है। जो शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर है उसको स्क्वेयर लेग पे ले जाए और इस तरह आपका मिड ऑन भी पीछे हो जाता है, इस तरह आपकी मिड विकेट भी पीछे हो जाती है, तो आपके पास प्रोटेक्शन आ जाती है। उसके बाद जब वो स्टंप्स में जाएंगे तो बैट्समैन उनको बाउंड्री लेने के लिए स्वीप ट्राई कर सकते हैं, तो स्वीप में दो चांसेस जो है क्रिएट हो सकते हैं, एक लेग बिफोर का, एक जो आपका फील्डर स्क्वायर लेग पे खड़ा है अंपायर के पास वो भी कैच कर सकता है। वेरी गुड, रियली अप्रिशिएट दैट इनपुट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त हुआ है एक और वक्फे का, व्हेन वी कम बैक मोर ऑन आस्क द पवेलियन। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एआरवाई ज़ैप ऐप, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप। गुफ्तगू हम लोग कर रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से इस वक्त और आप लोगों के सवाल आ रहे थे। जसनीत सिंह का सवाल है आज से पवेलियन के लिए। जसनीत सिंह ने पूछा है आज से पवेलियन, विलियमसन क्लियरली केम अप इन दिस वर्ल्ड कप विद एन इंजरी एंड प्लेड टुडे एज वेल विद एन इंजरी, बट वी हैवंट हर्ड अ सिंगल नेगेटिव कॉमेंट अबाउट हिम from New Zealand media. Do you think this drastic difference in the scrutiny of New Zealand players by their fans and media compared to India and Pakistan players is a reason they can control their fear of failure and execute their plans better? This is a very, very, very interesting question. इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट कर दूँ। वो ये पूछ रहे हैं कि विलियमसन जो है वो इंजरी के साथ आए, इंजरी से रिकवर होकर आए और आज भी नजर आया कि वो फुली फिट नहीं थे, थोड़े उनका लिंप ही नजर आ रहा था, फिर उनको दोबारा चोट लग गई और रिटायर हर्ट हो गए, लेकिन वो आए इंजर्ड थे इस वर्ल्ड कप में, जो शुरू के मैचेस नहीं खेले, लेकिन न्यूजीलैंड के मीडिया के अंदर जो है कोई इतना बड़ा उसके ऊपर कोई खप नहीं मची, कोई शोर नहीं मचा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ पाकिस्तान या इंडिया में होती है तो इन प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है मीडिया की तरफ से, फैंस की तरफ से, तो क्या ये वजह है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो हैं वो अपना जो डर है, खौफ है, फियर है, वो कंट्रोल करने में आसान, चूंकि उनके असाब पे सवार नहीं होते उनका मीडिया वगैरह, और हमारे यहाँ जो है प्लेयर्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। फॉर स्टार्टर्स, इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर इंडिया पाकिस्तान टू न्यूजीलैंड, डिफरेंट कल्चर्स। इंडिया 1.3 बिलियन पीपल, पाकिस्तान ऑलमोस्ट ओवर 250 मिलियन पीपल, न्यूजीलैंड 4 मिलियन पीपल, probably little more, little over 4 million people. और उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ यू नो सोशल मीडिया से यूट्यूबर्स हैं, everybody is a kind of an expert. हम अभी कॉमेंट्री रेडियो पर सुनते आ रहे थे और जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हो तो आप फिर डिटेल से सुनते हो वो कमेंट्री। जो क्रिकेटर करता है कमेंट्री वो डिफरेंट होती है, जो कमेंटेटर बना होता है जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम उनका डिफरेंट माइंडसेट होता है। सो एवरीबॉडी इज़ अ काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम ऑल फॉर इट कि ज़रूर प्यार इतना आपको इस गेम से, बट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट डिफरेंट है। वो आज हार जाएंगे कल भूल जाएंगे। मुझसे अभी तक लोग पूछ रहे हैं आप 99 के वर्ल्ड कप में आपने पहले बॉलिंग बैटिंग क्यों की थी, यू नो दैट वॉज 25 years ago। इससे पूछ रहे हैं आपने इंडिया के खिलाफ रोका क्यों था, दे मूव ऑन, वी डोंट, राइट, दिस इज अगेन आवर कल्चर। सो वसीम भाई अभी भी देखें, ट्रेविस हेड इंजर्ड है, टीम के साथ है, रखा हुआ उन्होंने कहा वो जब भी फिट होंगे वो टीम में आएंगे। अगर यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो यकीन करें आपके लिए तो इतनी प्रॉब्लम हो। सबसे पहले इनको एक लफ्ज बड़ा प्यारा लगता है पाकिस्तानी हमारे क्रिकेट लव, पर्ची वो उसकी बेचारे की एवरेज नहीं देखते जिसको ये कहते हैं छोटी सी स्टोरी जरूर सुनाऊंगा। एज ए नेशन न्यूजीलैंड लगता है बहुत पॉजिटिव लोग हैं, दे ट्रस्ट देयर पीपल, यू नो और प्लेयर्स। वसीम भाई की एग्जांपल मैं दूंगा, 99 वाले वर्ल्ड कप में एक हफ्ता पहले हम मैनचेस्टर में प्रैक्टिस कर रहे थे, बारिश हुई भी थी तो हम अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं कीपिंग कर रहा था सकलैन पे, तो एकदम मैंने देखा कि शोएब अख्तर ने वहाँ से भागना शुरू किया, मैंने भी पीछे भागना शुरू किया, बहुत कम जगह थी यू नो उसके अंदर, इंडोर थे, इंडोर ऑफ कोर्स, इंडोर में हम कर रहे थे, तो मैं अभी भाग भी नहीं पाया था, शोएब ने आया डिलीवर की, बैट्समैन कोई नहीं खेल रहा था, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, बॉलर अपना वार्म अप कर रहे थे, मैं बॉल विक्टो को लगी, विक्टो से लग के मैं थोड़ा सा इस तरफ भागा, बॉल मेरे तरफ आई, शोएब की पेस आपको पता है, मैंने बचने की कोशिश की, इस उंगली पे मेरे बॉल लगा, दो मुझे फ्रैक्चर हुए,
एक दिन बाद पता लगा एक्स्ट्रा हुआ, रिपोर्ट आ गई. अब कंसर्न था क्योंकि मैं वाइस कैप्टन भी था, आई एम द ओनली विकेट कीपर इन द टीम दैट टाइम. तो वसीम भाई ने मुझे बोला कि यार मैं बुला लूँ किसी को. मैंने कहा वसीम भाई मुझे एक हफ़्ता दे दें सिर्फ, आप मुझे मैनेज करने दें, फिर आप बुला लीजिएगा, कोई मसला नहीं है. एंड हेड्स ऑफ के इन्होंने मुझे ट्रस्ट किया. एक हफ्ते के बाद मैं डेली इंजेक्शन लगवाता था, खेलता था, मैनेज किया मैंने अपने आप को, एंड आई रियली परफॉर्म वेल इन दैट वर्ल्ड कप, यू नो. तो कहने का, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक ट्रस्ट होता है, यू नो, कि आप वो वसीम भाई ने मुझे ट्रस्ट दिखाया, तो नेचुरली मैंने भी रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हुई. तो लोगों को भी ट्रस्ट चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. देखिए सुने, हम सब की दुआएं हैं बाबर आजम के साथ और हमारी टीम के साथ, और बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर ऑल पैशनेट अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट. हम जो हैं वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, हम अपनी टीम से भी अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं. हार जीत होती रहती है, हमारी टीम हारे भी, लेकिन क्रिकेट दिखाए हमें, गेम दिखाए कि लड़ाई हुई है, एंड तक जो है मामला जो है चलता गया है. कल बड़ा मुकाबला है, सुबह 11:30 बजे आप लोगों के लिए बराह रास्त हाजिर होंगे. शुएब थैंक यू वेरी मच, मोहित थैंक यू वेरी मच, मिसबाह थैंक यू वेरी मच, वसीम थैंक यू वेरी मच. इंडिया वर्सेज पाकिस्तान कल आप लोगों के लिए खिदमत में, अहमदाबाद से बराह रास्त 1:30 बजे ये मैच बराह रास्त आएगा. हम जैसे कि मैंने पहले भी कहा 11:30 बजे आप लोगों की खिदमत में सुबह हाजिर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों के साथ. तो तैयार रहिएगा. और आज की रात मुझे पता है बड़ी एंग्जाइटी वाली रात है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. गुड नाइट.